प्लम्बरिंग क्या बोल रहे मम्बरिंग क्यों बोल रहा मैं प्लम्बरिंग मम्बरिंग इतनी इंग्लिश ज्यादा नहीं हानिकारक है ये लाइन में म्यूट कर दो इतना पार्ट इसको आए करो आए कर दो इसको ये देखो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग देखो सब लोग बैठे हैं अभी चलेगी खाने पे चर्चा कॉप पे चर्चा What's up guys, welcome back to my new vlog. I hope you all are doing well. तो guys, आज की इस vlog की शुरुआत हो रही है अपने बज रहे ना सुबह के 6:15 या फिर 6:30 बज रहे तो सीन ऐसा है कि आज अपनी ना एक तड़ी वाली राइड प्लान हो चुकी है आज की राइड होने वाली है जो लोकेशन मैं ना आपको आगे बता दूंगा तो आज अपने साथ जुड़ने वाले हैं कम से कम 15-16 राइडर्स ऐसे तो काउंट किए थे जिस हिसाब से बताया गया था तो देखते हैं आगे कितने राइडर्स जुड़ते हैं तो आगे का तो सीन आगे पता चलेगा और तो फिलहाल के लिए निकलते हैं गाइस यहाँ से और मिलता हूँ मैं आपको मोटो ब्लॉग पे तो लो भाई वी ऑल सेट टू गो और ये रहा गाइस मेरा अपना सामने बैठा है अपना पार्टनर पिका और ये 360 अपन ने माउंट किया यहाँ पे तो चलते हैं गाइस गणपति बापा मोरिया देखो भाई अभी मैं सोच रहा हूँ कौन चिल्ला रहा है लेकिन ये सामने जो मेरा पार्टनर है ना देख सकते हैं क्या मस्त घूम रहा है ये चिल्ला रहा है कि पापा मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन डर भी उतना लग रहा है फिर भी इसके भी अलग मज़े आगे बैठना था तो बैठ ले आगे तो भाई ये रहा अपना रवेश और ये उसका एक फ्रेंड है और केवल भाई ना अपना वहाँ पे गया है तो अभी सीन ऐसा है अभी हमको एक जाना है वहाँ पे अपना मीटिंग पॉइंट है बोडगेश्वर मंदिर के पास तो चलते हैं गाइस फटाफट से वहाँ पे मिलते हैं सभी से तो फाइनली गाइस वी आर हियर एट श्री देव बोडगेश्वर संस्थान और वो रहे गाइस अपने बाकी सारे राइडर्स ए जुपिटर गनेला जुपिटर अरे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे ये रहा गाइस केवल भैया केवल भैया उनका कैसे हो हम लोग ना गए थे मंदिर में दर्शन लेने के लिए और अभी बाकी के राइडर्स ना अपने वहाँ पे हैं अभी कुछ देर में हम लोग निकलेंगे गर्मी भी ना काफ़ी तगड़ी वाली गर्मी है अंदर से ना हम लोग पूरे एकदम भीग 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 चुके हैं इतनी इंग्लिश ज्यादा नहीं हानिकारक है तो भाई देखो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे फोटो सेशन के लिए और यहाँ पे देखो बाइक यहाँ से मिला के वहाँ तक अपने 13 बाइक्स है और वहाँ पे एक Z900 भी है और वो और अपना भाई फोटो निकाल रहा है पहुँच चुके हम लोग वेरना में 8:22 हो चुके हैं अच्छा यहीं पे कहीं पे किसी को तो रुकेंगे यहाँ पे एक हॉल्ट रहेगा और इसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे और भाइयों बातों बातों में तो रह गया कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं आज हम लोग जा रहे हैं अपने कुरडी में जो कि अपना एक डैम है जो कि ना सिर्फ अपना अप्रैल और मई मंथ में ओपन रहता है बाकी सारे 10 महीने वो तो बंद रहता है और अभी फिलहाल के लिए हम लोग पहुँचे हैं कैपे में
कैपे हैं यहाँ पे ना फेमस, अपनी लॉटरी लगी रहती है, बड़े बड़े बाइक्स, बड़ी बड़ी कार्स रखे रहते हैं, वो इसी गार्डन में पार्क किए रहते हैं अपने गणपति के टाइम पे। अभी हमने लिया एक ब्रेक, ब्रेक स्पॉन्सर्ड बाय स्पॉन्सर्ड बाय रोहित। तो गाइस अभी डन विद द ब्रेकफास्ट, और अभी के लिए सीन ऐसा है, अभी हम लोग पहुंचे हैं अपने जाम्बावली में। आप लोगों ने एक ब्लॉग में देखा होगा, जाम्बावली हम लोग गुलाल के लाए थे, तो ये वही लोकेशन है। तो अभी यहाँ से हम लोग को बाईपास होके जाना पड़ेगा अपने कुरुड़ी में। तो चलिए इसको आए करो आए कर दो इसको अभी देखते देखते पहुंच गए हम लोग कहीं जंगल पे, और टाइम देखो बज चुके हैं 10, और यहाँ पे ना तगड़ी भीड़ होने वाली है, क्योंकि आज ना संडे है और काफ़ी सारे राइडर्स आगे भी जा चुके हैं, और आगे भी ना काफ़ी सारी फोर व्हीलर्स भी हैं। तो और ये लास्ट वीक है शायद से, अगले वीक तो मानसून पूरा चालू हो जाएगा और यहाँ पे एंट्री बंद। और पिछले संडे ना यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, तो श्री सोमेश्वर का मंदिर है यहाँ पे। ये देखो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपन अभी अपने सोमेश्वर मंदिर के पास। और आ गए इस मंदिर, मैं ना थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि मैं ना मेरा गोप्रो पता नहीं अटक गया बीच में। फिर क्यों अंडा खूब तैपान मारे एक तुझे। अभी सीन ऐसा है, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनली मंदिर के पास, और ये रह गए अपना सोमेश्वर मंदिर। और यहाँ पे देखो केवल भाई और रवेश भाई क्या कर रहे हैं। मैंने ले लिया भाई। ब्रो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऐसे मैं चलते हैं अंदर लेते दर्शन। तो गाइस ये रहा पूरा अपना डैम यहाँ पे पीछे, और आगे बारिश के टाइम में ना यहाँ पे ये पूरा सब कुछ भर जाता है, मंदिर तक पानी आता है, और यहाँ पे आने को मिलता ही नहीं, जाने को देते ही नहीं, क्योंकि रिस्क बहुत रहता है। गाइस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये लाइन में म्यूट कर दूंगा इतना पार्ट। अभी ना यहाँ पे एक कुआ है, और वहाँ पे एक तुलसी का तुलस है, और वहाँ पर ना शायद से वो कुछ तो किसी का घर रहेगा। घर होते नजर वे यहाँ पे सब पुराने मकान है, मतलब अभी जो टूट गए हैं ना वो ऐसे ही है, अभी पहले मकान हुआ करते थे। गाइस अभी फाइनली डन विद आवर ब्लेसिंग्स, और हम लोग नीचे भी जाके आ चुके हैं, और आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा मेरे सिनेमेटिक्स में। अभी फिलहाल के लिए पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं अभी,
नेक्स्ट लोकेशन आगे उनसे पता चलेगा। तो ये रहा गाइस अपना एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग गए थे, वहाँ पे हमने बाइक पार्क की है। इतने सारे बाइकर्स देखो, अलग अलग ग्रुप आया, अपना ग्रुप वहाँ पे है। और ये रहा गाइस मंदिर, वापस से आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ना लोगों के घर है जो कि आपको दिख रहे हैं पानी में डूबे, है ना। अभी आपको मोबाइल में दिखाता हूँ, इस पे गोप्रो पे कुछ क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो ये देखो गाइस यहाँ पे ना पुराने पुराने घर है, ये देखो ये 1, 2, 3, वहाँ पर अंदर आगे भी है 4, 5, 6, ऐसे ना बहुत सारे घर हैं जिनको रिलोकेट किया है, मतलब उनको और एक जगह दिया है डैम के लिए। और यहाँ पर ऊपर ना कुछ तो चल रहा है, आज संडे है ना, संडे शायद से यहाँ पे ना संडे मास भी होता है अपना। तो अभी गाइस यहाँ पे हमने लिया है वापस से ब्रेक, तो ब्रेक तो बनता है, शुगर केन वाला जूस हम लोग पी रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय रमेश भाई। रमेश जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, दोनों 50-50 मिला के। डन विद द ब्रेक। और अभी सीन ऐसा, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने ग्रीनलैंड जो कि एक लोकेशन है, वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं गाइस वहाँ पे मस्त कुछ तो एक्सप्लोर करेंगे। ग्रीनलैंड मैंने गूगल पे देखा था, वो मस्त एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन है, मतलब ड्रोन अगर रहता तो मस्त व्यू दिखाने को मिलता था आप लोगों के लिए। खैर कोई नहीं, ऐसे देख लेना। तो चलते हैं देखते हैं आगे का सीन। यहाँ पे देखो ये ना सब जगह यहाँ पे ना भर जाती है पानी से बारिश के टाइम पे। अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, पानी जगह भरती नहीं, पूरा रोड भी भर जाता है एकदम, सब के सब जगह पे पानी आता है। और यहाँ पे ओपन है तो फिलहाल के लिए लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। कितना ही बड़ा एरिया देखो, क्या ही सुंदर लोकेशन है, वाह मजा आ गया देख के, फुल पावर एकदम। तो गाइस अभी सीन ऐसा है, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ग्रीनलैंड में। और ये देखो गाइस अपनी बाइक के लाइन अप, बाइक ना आपको करीब से दिखाता हूँ, कितने सारे बाइक्स हैं, वीडियो पॉज करके गिन लेना। ये क्यों हंस रहा है? कुछ मीठा मीठा खा के आया लगता है। अभी हम लोग आ चुके हैं ना एक दूसरे लोकेशन पे जो कि है बुड़बुड़ा तालाब, जिसको बोलते हैं कोकनी में बुड़बुड़े तड़े। और यहाँ पे इस मंदिर का नाम क्या है रश, नाम क्या? गोपीनाथ टेम्पल। ये मंदिर का नाम ना गोपीनाथ टेम्पल है। तो देखते गए यहाँ पे, आपको भी दिखाते हैं, आप लोग भी देख लेना हमारे ब्लॉग में। बुलबुले तालाब का नाम मतलब यानी कि बबल लेक है, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे ना क्लैप करोगे तो यहाँ पे बबल्स आते हैं। तो जैसे कि ये अभी जस्ट अपना बंदा ट्राई कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, आगे नीचे जाएंगे तो दिखा दूंगा। मार तो ये अभी टाइम देखो, टाइम बज रहे 1:24 और भूख भी ना तगड़ी वाली लग चुकी है। अपने कुछ राइडर निकल चुके हैं अपने घर के लिए क्योंकि उनको कुछ काम था। और अभी सीन का पता नहीं, अभी एक स्पॉट था सालालिम डैम, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए अभी निकल रहे हैं अपने खाने के लिए, तो देखते हैं, तो लेट्स गो।
गाइस अभी हम लोग रुके हैं मीटिंग के लिए। हाँ सही था। देखो सब लोग बैठे हैं, अभी चलेगी खाने पे चर्चा। कॉप पे चर्चा। तो अभी गाइस इसको क्या बोलते हैं, मजाक को रखते हैं साइड में। अभी ना भूख लगी थी तगड़ी वाली। तो गाइस अभी से ना अभी हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। तो खाना खाते हैं, तगड़ी वाली भूख लग चुकी है। और देखते हैं आगे का सीन। मेरा मोबाइल का भी चार्जिंग नहीं है तो चार्जिंग को लगा देता हूँ और खाना खाने बैठते हैं और देखते हैं आगे का सीन। तो आगे पता चलेगा। तो भाई अभी सीन ऐसा है, अभी डन विद लंच ब्रेक। और सीन ऐसा है अभी हम लोग ये मैं कॉनकेबल और ये लोग जाएंगे अपने अलग रास्ते में और वो बाकी सारे जाएंगे अलग रोड से, अलग रूट से। तो मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं सबको अभी दिखा देता हूं जाने के टाइम पे। मैं अभी चलिए ना, अभी चलिए मैं मैं। और कुछ मेंबर यहाँ पे है ब्रो। चल मैं मगिर चल। तो भाई अभी फाइनली जाके हम लोग ना पहुंच चुके थे घर पे। और अभी सीन ऐसा था कि अभी देखो रात के बज रहे एक और आज है मंडे। तो व्लॉग को मैं एडिट करते करते रात के कभी एक बज गया, पता भी नहीं चला। और आई होप कि आप लोगों ने व्लॉग देख लिया होगा। व्लॉग अगर देख लिया है ना तो गाइस आप लोग बस है ना कमेंट जरूर करना। कमेंट से क्या होता है ना कि हम लोग को पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो हम लोग करेंगे। और व्लॉग अगर बढ़िया लगा तो कमेंट कर देना, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का ना यहाँ पे जगह जगह एक्सप्लोर करने को नहीं मिलता है। तो हम लोगों के थ्रू आप लोगों को कुछ तो देखने को तो मिलता है। तो आप लोग बस सपोर्ट बने रहना, सपोर्ट करते रहना गाइस। आप सभी का प्यार चाहिए, बस कमेंट कर देना और इस वीडियो को ज्यादातर जितना हो सके उतना शेयर कर देना। बस आप लोग बस है ना सपोर्ट दिखाना। और जितने भी बाइक राइडर्स थे अपने साथ, एक नंबर राइडर्स थे, इनकी क्या ही तारीफ करूं। डिसिप्लिन जो थी ना वो आज इन लोगों से देखने को मिली। ये जो ग्रुप था ना वो अपने तो राइडर्स क्लब ऑफ गोवा करके कुछ ग्रुप है, तो उस ग्रुप में हम लोग शामिल हो चुके थे। ये वाले राइड पे कम से कम ना 17-18-19 बंदे थे, जो कि बाद में हम लोग को आगे जाके 2-3 बंदे जुड़ चुके थे। हम लोग पहले स्टार्ट में थे, हम लोग मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था बहुत, तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो फिलहाल के लिए इस लोग को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आगे होपफुली अगला व्लॉग भी आपसे इस व्लॉग से तगड़ा ही आएगा। तो देख लेना गाइज आगे की व्लॉग्स सारे के सारे और शेयर कर देना। इसी के साथ इस व्लॉग को करते यही एंड। फिर देखने के लिए गाइज मिलते हैं आपसे इसी एनर्जी के साथ अगले व्लॉग में। बाय।